हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मलाई चाप की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी तरीके से हम आज इसे बनाएंगे। यहाँ पर हमें चाप ले लेनी है। अब हम इस चाप से स्टिक को बाहर निकाल लेंगे और चाकू से हम इसे पतले पीसेस में काटेंगे। यहाँ पर हमें पीस जो है पतले ही काटने हैं, मोटे नहीं काटने हैं। तो अब हम इसी तरीके से सारी चाप के पीस को काट लेंगे। यहाँ पर हमें ये देखिए इस तरीके के पतले पीस रखने हैं चाप के। अब इसके बाद में हम यहाँ पर एक बर्तन में दही लेंगे। दही को हम पहले कपड़े से छान लेंगे ताकि जितना भी उसमें एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाए। यहाँ पर मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम यूज़ की है, तो आप यहाँ पर घर की जो मलाई इकट्ठी की हुई होते हैं हम यहाँ पर उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में हम यहाँ पर थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, यानी कि उसका एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन और थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है, उसे भी मैंने इसमें डाला है। फिर टेस्ट अनुसार हम यहाँ पर हल्का सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए यहाँ पर हम कसूरी मेथी मिलाएंगे और इन सबको हम अच्छे से मतलब मिला लेंगे। इसके बाद में जो हमने चाप के पीसेस काटे हैं, अब हम उन पीसों को इसमें सभी पीस को इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिला देंगे। और थोड़ी देर के लिए मिलाने के बाद में फिर हम थोड़ी देर के लिए इसे ढककर रख देंगे। यहाँ पर हमें कम से कम इसे आधा एक घंटे के करीब रखना है ताकि ये अच्छे से इसमें कोट हो जाए। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छे से मतलब हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। यहाँ पर ऑयल जो है काफ़ी गरम हो चुका है, तो अब यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी करके चाप को फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमें चाप को थोड़ा सा क्रिस्पी करारा ही फ्राई करना है, तो हम यहाँ पर चाप को क्रिस्पी करारा होने तक फ्राई करेंगे। इसी तरीके से हम सारी चाप को क्रिस्पी करारा होने तक फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर सारी चाप जो है क्रिस्पी करारी फ्राई हो चुकी है, तो चलिए अब हम इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक कढ़ाई लेनी है और उसमें हमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम दो तेज पत्ते डालेंगे। फिर यहाँ पर हम प्याज डालेंगे। प्याज को हमें यहाँ पर थोड़ा लंबा कर कर काटना है और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे। यहाँ पर प्याज जो है इसी तरीके से हमें हल्का सा गोल्डन कर कर भूनना है, जिससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले कूट कर डाले हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची, काली इलायची और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, इसे बारीक कूट लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर थोड़ी सी शिमला मिर्च डालेंगे, इसे भी हमने थोड़ा लंबे करके मतलब काट लिया है और इसे भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो इसके बाद में जो हमने दही का मतलब पेस्ट बना रखा था, जो हमारी चाप में से बच गया था, उसे भी हम इसमें अच्छे से डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने आधा टुकड़ा मतलब बटर का यूज़ किया है। अब अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। फिर इसके बाद में जब ये अच्छे से पक जाएगा तो यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी हम और डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट और दुगना हो जाता है। इसके बाद में जो हमने सारी चाप भून के रखी थी, अब हम इसे इसमें मिला देंगे और अच्छे से इसे मिलाकर थोड़ी देर पकाएंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा बटर और यूज़ करेंगे और इसे एक बार फिर से मिला देंगे। अब यहाँ पर चाप जो है बनकर तैयार हो चुकी है, तो आप इसे सर्व कीजिए और खाइए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक।